नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। बिलारी में तहसील के गांव विजयपुर में भाजपा के 3 सेक्टरों के बूथ अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के मुख्य रूप से विधानसभा बिलारी प्रभारी मंत्री और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने तीनों सेक्टरों के बूथ अध्यक्षों और बूथ कमेटियों का सत्यापन किया। इस अवसर पर डॉक्टर विशेष गुप्ता जी ने कहा कि हमें प्रत्येक बूथ को बहुत मजबूत करना है, साथ ही आम जनता की जन समस्याओं को जानकर उनको हल करने का पूरा प्रयास करना है। बैठक के विषय में भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुरेश सैनी ने विस्तार से बताते हुए समझाया। अनुसार विजयपुर में 3 सेक्टरों की बूथ अध्यक्षों की बैठक है। बूथ अध्यक्षों को बुला करके यहाँ जो बूथ की कमेटी बनी हुई है उनका सत्यापन के बारे में बात होगी, उनका सत्यापन किया जाए, क्योंकि बूथ की जो कमेटियां बनी हुई हैं उनमें जो निष्क्रिय हो गए हैं उनकी एवज में दूसरे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको उसमें लगाया जाए। बाकी जो जन समस्याएं हैं, जनता के बीच में बैठ करके जो जन समस्या है उसको सुनवाई करना है। आपने ग्राम विजयपुर में बैठक की है, तो क्या समस्या है ग्रामीणों की आपके सामने आप आई हैं? मैंने अभी जानकारी करी है गांव के लोगों से, तो उन्होंने कुल मिलाकर के राशन वितरण में कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, रास्तों की कोई समस्या नहीं है, केवल और केवल एक ही समस्या बीच में निकल के आई है कि जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या है, उनसे किसान परेशान है। मैंने इनको बताया कि इस समस्या के निदान के बारे में हमारी सरकार है बहुत गंभीरता से सोच रही है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला बना करके इस समस्या का निदान हो सकता है, क्योंकि आवारा पशुओं की संख्या बहुत अधिक संख्या में बढ़ गई है और इनको ब्लॉक स्तर पर गौशाला बना करके या न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला बना करके इसका समाधान संभव नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं, सभी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, कि आवारा पशु और बंदर ये किसान के लिए एक मुख्य समस्या खेती करने में बन गई है, इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो कोई समस्या नहीं है, अरे राशन भी हमको एक एक महीने में दो दो बार मिल रहा है, राशन पूरा मिल रहा है, बिजली ठीक मिल रही है, लैट्रिनें सबकी बनी है, बाकी इन ऑल मिला करके कोई समस्या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ प्रत्याशी भी रहे हैं और इस समय की स्थिति भी देखते हुए लग रहा है कि जनाधार अल्पसंख्यक हैं और समुदाय के लोग भी हैं, भाजपा से ज़्यादा जोड़ रहे हैं, लगातार जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। आपने अल्पसंख्यकों की बात कही, मैं जब चुनाव लड़ा था 2016 में तो अल्पसंख्यक समाज से यहाँ 5,000 वोट उस बिलारी विधानसभा मिला था, लेकिन मैं अब ऐसा महसूस करता हूँ कि वो 5,000 का 15,000 होने वाला है, और जब 15,000 वोट यहाँ हो जाएगा तो कोई इस सीट को जीतने में कोई समस्या अब नहीं है। बाकी इनोल मिला करके हर समाज हर वर्ग के बीच में भी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, क्योंकि इसका बहुत जो भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है, राशन वितरण में धांधलेबाजी समाप्त हुई है, इसका बहुत कुछ प्रभाव जो है जनता पर पड़ा है, जनता अब अपने को सुकून महसूस कर रही है। ज़्यादातर सरकार विद्युत व्यवस्था और सुरक्षा की तरफ ध्यान दे रही है, क्या क्या यहाँ की जनता को विद्युत की तरफ से सुधार देखने को मिलेंगे आम जनता को? विद्युत व्यवस्था में तो एक अचूक अभूतपूर्व सुधार हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं बिलारी सिरसी रोड के गांव में नवाली लड़की से कुछ दिन पहले बलात्कार की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत थाना सोनकपुर तथा थाना बिलारी को दी गई थी, लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी ना ही अपराधी पकड़े गए और ना ही नवाली लड़की को न्याय मिला। सूचना मिलते ही जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की विधानसभा अध्यक्ष गीता चौधरी, उपाध्यक्ष अर्चना वैश्य, नगर अध्यक्ष गीता कोहली ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे तथा उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधियों को सजा दिलाने में पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगे और उनके न्याय दिलाएंगे। इधर नगर बिलारी के रामतंटा कॉलेज के नजदीक साईं कॉलोनी में श्रावण मास के चलते साईं मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साईं मंदिर पर भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया।
भजन कीर्तन भी हुआ। इस अवसर पर नंद किशोर गुप्ता, सुमित गुप्ता, शोभित गुप्ता, अंशु शर्मन, टोनी, योगेश, सियाराम, टिंकू, सुखबीर, विष्णु आदि लोग मौजूद रहे। इधर नगर बिलारी चंदूसी रोड पेट्रोल पंप के नजदीक स्कूटी सवार ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को मारी टक्कर। सड़क पार कर रहा था व्यक्ति बिलारी पासी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जिसने अधिक शराब पी रखी थी और अपने घर की ओर पैदल सड़क पार कर रहा था। तभी चंदूसी की तरफ से नशे में धुत आ रहे स्कूटी सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी सवार ने भी शराब पी रखी थी और पैर से विकलांग भी था। राहगीरों की मदद से दोनों को बिलारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और उनका उपचार कराया गया। स्कूटी सवार तहसील शहबाद के सैफनी का बताया जा रहा है।